घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488। खंडवा के रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ स्कॉट के पुलिसकर्मी पर अवैध वेंडर ने मारपीट का आरोप लगाया। जहां जसवाड़ी गांव के रहने वाले युवक अखिलेश सेन ने बताया कि पहले वह ट्रेन में काम करते थे, लेकिन अब वह काम बंद कर दिए। 15 दिन पहले भी जवानों द्वारा मुझे पीटा गया, आज भी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, फिर भी आरपीएफ जवान द्वारा उसे जबरन उठाकर थाने में बंद कर उसे पीटा गया, ऐसा घायल युवक और उसके परिजनों ने हमें बताया। फिलहाल आरपीएफ पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां पुलिसकर्मियों का कहना है कि आरोपी द्वारा पटरी पर सिक्का रख कर सिग्नल नीचे कर ट्रेन रोक कर उसमें अवैध सामान चढ़ाते थे, इसलिए उसे पकड़ा था। हमारे द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई, आरोपी खुद ही जमीन पर सिर पटक कर घायल हुआ है, हमारे द्वारा और आगे की पूछताछ की जा रही। देखे क्या कुछ कहा घायल युवक और उसके परिजनों ने। तो साहब आया, बोले तेरे से पूछताछ करनी है। मैंने बोला बोलो साहब क्या है, बोले थाने ले चल, ले गए मेरे को पकड़ के वहाँ से, दो तीन थप्पड़ वहाँ पे हमारे स्टेशन के सामने, और फिर मेरे को थाने ले गए। थाने में ले जाकर सब चार पांचों ने पकड़ के मेरा मुंह दबा दबा के मार रहे के बाहर आवाज भी नहीं जाए, सब मुंह दबा के नाक दबा के, अगर मैं मर जाऊँ साहब मेरा कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों को क्या होगा मेरा। अभी तो पट्टे से मारा भाई, पैर पे मारा है, अभी तो बालू यहाँ मार रहे, तलवे पे क्या पट्टे का रहेगा मेरे भाई लोगों ने। तुम भी सर पे किसने मारा? सर पे इन्होंने मारा मेरे सर, ठोका गया दीवार में, इन्होंने पकड़ रहे थे जब इधर पकड़ा तो मार रहे थे। तूने ठोका कि नहीं मारा? इन्होंने मारा मेरे को। मेरे पति का नाम अखिलेश सेन है, उनको जबरदस्ती स्टेशन पे तो उठा के लगा, उनको मारा, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन हमको उनसे मिलने भी नहीं दे रहे। पहले भी उनको बीच में भी पकड़ लिया था, अभी पहली की बात है, जब भी पकड़ लिया था तब भी उनके पैरों, दोनों पैरों में लगी थी, घुटने में भी, हाँ पैर में भी, वो चाहिए थी, दो तीन दिन तक वो लंगड़े चले थे। और अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जबरन में लाके मार दिया उन्होंने। उसका फोन आया था अखिलेश का कि भाई मुझे थाने के बाहर लेने आ जाओ, मेरे को बहुत मारे, मैं थाने के बाहर पड़ा हूँ। हम उसको लेने गए, मैं और रेहन नाम का लड़का, उसको डांगडोली करके गांधी बन के बाहर लाए, फिर वो फेले रहा है, हमने वीडियो बनाने का तो वीडियो नहीं बना दी। उसके बाद अस्पताल लाए, हमने उससे पूछताछ करे कि भाई क्या वजह है, तो उन्होंने अस्पताल में बोले कि अभी हमारे रिश्ते में तुम खुद चले जाओ, हम देख लेंगे बोले। फिर हम दोबारा आए, कुछ बोल नहीं रहा, उसको मारे ले आके, वो कोई गलती नहीं, उसको बाथरूम करने का तो 5 नंबर पर उसको लेगा, उठा के दोनों कमांडो खुद आके वो लेगा, उसको बोले तेरे को देवेंद्र साहब बुला रहे, वो चलेगा, उसको वहाँ ले आके मारे, उन्हें थाने में सर्वट होगा, उन्होंने ले आके थाने में बाहर फेंक दिए, वो बाहर फेंके तो हम उठा के ला दो जन अस्पताल को लेके आए, अस्पताल वही लेके आए, तो उनके पीछे हम आए, हमने पूछे भी तो उन्होंने हमको अस्पताल से बाहर निकाल दिया कि आप बाहर हो जाओ, बोले ये हमारा हिस्ट्री में बोले। अभी किन लोगों ने मारा? पुलिस वालों ने मारा, वो हमारा खुद वाला आदमी की मुंह पे बांध बांध के मारे उसको। वो काम क्या करता है अल्केश? अखिलेश काम करता है, गाड़ी लाइन में चाइने बेचता, बाकी अभी धंधा बंद कर दिया हमने। इससे पहले भी उसको मारे थे, इससे पहले भी उसको मारे थे, जब भी ध्यान नहीं दिया। आज क्यों मारे थे? आज क्या हुआ? आज क्यों मारे? अब वही वजह तो जब जत्ती मारे ना उठा के ले आके, उसकी तो कोई गलती है नहीं, चलो कोई गलती में हो तो बात बता। और भी डर चल रहा है, अपना नाम बता। ये बताओ कि वहाँ पर जैसे जो भी वेंडर हैं, क्या इनसे कोई पैसे मांगे जाते हैं? नहीं, कुछ पैसे नहीं मांगे जाते। ये जो पुलिस पैसे से मांगती है? नहीं, ये पुलिस वो ये कमांडो बाहर क्या सिर्फ पकड़ लो, मार रहे जबरदस्ती, उठा उठा के ले जा रहे, ये कौन सी बात है? मेरा नाम इजाज है। क्या हुआ उनके साथ? वो जबरन में स्टेशन पे, वो स्टेशन तरफ गया, खाली आता वो, तो उसको इन्होंने पकड़े, अंदर ले गए, मुँह में कपड़ा ठूस के बहुत मारा, और फिर वो पटक दिया वहीं पे, मतलब बाहर, तो उनको ऐसा लगा कि ये बेहोश होने वाला है, तो फिर उसको उठा के वो यहाँ पर लाए अस्पताल में, और बहुत मारे, उससे आवाज भी नहीं निकली, बेहोश रहा आधा घंटा। तो क्यों मारा? ऐसे ही मारे क्या मालूम, इससे पहले भी मारे थे।
पहले धंधा करते थे हम लोग, अब छोड़ दिया हम लोगों ने धंधा। क्या धंधा करते थे आप? हम फल्ली गुटका चाय बेचते थे। कोई पुराना मामला है उसके ऊपर? नहीं कोई मामला नहीं है पुराना, बस ऐसे ही मार दिए, उनके पास कोई एफ आई आर भी नहीं है, बस डायरेक्ट मारे और यहाँ अस्पताल में लाके भर्ती कर दिए। मेरा नाम आजाद खान है। ये बोल रहे हैं कि वो जो ट्रेन चेन स्ट्रेचिंग करते हैं, ट्रेन रोकते हैं, सिक्के रखे ट्रेन? नहीं तो अभी सब, अभी सब बंद कर दिया भैया। तो पहले स्टेशन पे पहले किया था कितने? नहीं 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 ऐसा लड़का नहीं है वो भैया, ऐसा लड़का नहीं है। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर, साथ ही पाए एक विशेष ऑफर, जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल।